हाय गाइज, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में अगर रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो कितनी स्पीड की रैम आपके सिस्टम में सपोर्ट करेगी, ये आप कैसे पता लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम कितने स्पीड तक की जो रैम है वो आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में लगा सकते हैं अपग्रेड करने के लिए, ये आप कैसे पता लगाएंगे, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कितना मैक्सिमम स्पीड अपने सिस्टम में आप लगा सकते हैं, इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। पहला कि आपके सिस्टम में मदरबोर्ड कौन सा इंस्टॉल है, कौन सी कंपनी का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। जैसा कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में चार मेथड बताए कि आप इन चारों तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि मदरबोर्ड कौन सा इंस्टॉल है। ये पता लगाने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको यहाँ पे पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप वो पूरा प्रोसेस देख के बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि मदरबोर्ड आपके सिस्टम में कौन सा इंस्टॉल है। ओके, दूसरा आपको पता होना चाहिए आपके सिस्टम में सीपीयू कौन सा इंस्टॉल है, जो सीपीयू आपने प्लग इन कर रखा है वो कौन सा यूज कर रहा है, कौन सी जनरेशन का यूज कर रहा है। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि अब आपको जो रैम अपग्रेड करनी है वो कौन सी मैक्सिमम स्पीड तक आपको अपग्रेड करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मदरबोर्ड मैं अपने सिस्टम में यूज कर रहा हूँ वो माइक्रोस्टार इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि MSI का मदरबोर्ड यूज कर रहा हूँ और ये वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और उसका मॉडल नंबर मिल जाता है या फिर ब्रैकेट में आपको वर्जन मिल जाएगा कि आप कौन सा करंट मॉडल नंबर आप यूज कर रहे हैं, MS7C09। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी दबा के। आप इसको नोटपैड में नोट करके या फिर डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। मैंने आपको चार मेथड बताए हैं, तो आपको वो चारों मेथड मदरबोर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं ये चेक करने के लिए ये वीडियो फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये पता लगा लेंगे कि आपके सिस्टम में मदरबोर्ड कौन सा है या फिर आपको पता है कि मदरबोर्ड कौन सा है, तो डायरेक्ट आप इसको कॉपी करके चलेंगे गूगल बाबा के पास। तो हम यहाँ पे चलते हैं गूगल बाबा के पास और यहाँ पे इस मदरबोर्ड का जो वर्जन है, जो मॉडल नंबर है, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जस्ट इसके बाद स्पेस दे के लिखेंगे स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यानी कि हमें इस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन पता करनी है। जस्ट आप ये सर्च करेंगे, ये सर्च करते ही वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब आप चाहें तो जो मेरा मदरबोर्ड है MSI, तो हम MSI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं या फिर आपके पास जो भी पहला लिंक आए आप उस पर भी जा सकते हैं। कुल मिला के आपको स्पेसिफिकेशन में ढूंढना है कि भाई जो रैम है वो मैक्सिमम कितने स्पीड तक यहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे जैसे कि हम MSI की वेबसाइट पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मेमोरी आपको मिल रही है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको स्ट्रेटली आपको पता लग जाती है, सबसे तो कौन सा जो रैम है, DDR3 है, DDR4 है, कौन सा सपोर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं DDR4 मेमोरी सपोर्ट करेगी और यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जो स्पीड है वो यहाँ पे 2666 की जो मेगाहर्ट्ज़ की जो स्पीड है वो यहाँ पे रैम की सपोर्ट करेगी, उसके बाद 2400 मेगाहर्ट्ज़, उसके बाद 2133 मेगाहर्ट्ज़ की। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सपोर्ट्स DDR4 इतना मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, 2666, 2400, 2133, यानी कि इन तीनों में से आप किसी भी मेगाहर्ट्ज की रैम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज आपको मिलता है वो 2666 मेगाहर्ट्ज मिलता है, ये आपके मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरी वेबसाइट पर भी देखें तो दूसरी वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पे मेमोरी में आपको मिल जाएगा सपोर्ट्स इतना मेगाहर्ट्ज रैम। ठीक है, अब डिपेंड करता है, हमने अपने मदरबोर्ड में तो चेक कर लिया कि भाई मदरबोर्ड में हमारे कौन सा रैम कितना स्पीड का रैम यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अब हमें ये भी चेक करना जरूरी है कि हमारे सीपीयू कितना सपोर्ट करेगा रैम को। ठीक है, कितना स्पीड की रैम को सीपीयू सपोर्ट करेगा। ठीक है, जब दोनों हम चेक कर लेंगे तो उसमें जिसकी जो रैम स्पीड है लो होगी वो हम अपने सिस्टम में प्लग इन कर सकते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है रैम की हम 2666 यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में। बात करते हैं सीपीयू की, सीपीयू को हम कैसे चेक करें कि भाई हमारे सिस्टम में कौन सा सीपीयू लगा है। तो हम डायरेक्ट दिस पीसी की माय प्रॉपर्टीज में जाके यानी कि माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं। जो प्रोसेसर है आप देख सकते हैं कोर i3 9100F मैं यहाँ पे प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ अपने सिस्टम में। तो i3 9100 नाइन्थ जनरेशन में यूज कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं वापस से गूगल बाबा के पास, पूछते हैं भाई i3 9100F की स्पेसिफिकेशन क्या है।
ठीक है, ये हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इंटेल की वेबसाइट पे हम जाएंगे और इंटेल की वेबसाइट पर जाने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी और आपको जाना है सीधा रैम वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो मेमोरी टाइप आप देख सकते हैं, मेमोरी टाइप में हमारे पास DDR4, यहाँ पे DDR4 हम इसमें यूज कर सकते हैं और जो रैम की जो फ्रिक्वेंसी है, जो स्पीड है, वो 2400 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि CPU ने हमारे यहाँ पे स्पीड को लिमिट कर लिया। हालांकि हमारी जो मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन कहती है हम 2666 तक की यहाँ पे इसमें जो रैम है वो प्लग इन कर सकते हैं, लेकिन जो CPU है हमारा उसने 2400 MHz पे यहाँ पे जो रैम है उसको लिमिट कर दिया। यानी कि हम अपने सिस्टम में 2400 MHz की यहाँ पे रैम प्लग इन कर सकते हैं। अगर सपोज आपके सिस्टम में 2133 MHz की रैम प्लग इन है, जैसे सपोज मेरे सिस्टम में, तो अभी मैंने 2400 MHz की रैम यहाँ पे लगा रखी है, लेकिन अगर सपोज आपके सिस्टम में इससे लो की है तो आप उससे अपग्रेड कर सकते हैं, बशर्ते कि मदरबोर्ड और CPU दोनों में आपकी जो स्पीड है वो मैच करनी चाहिए और दोनों में से जो लोएस्ट होगी आप वो प्लग इन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी रैम है वो इन दोनों के कंपैटिबल में लोएस्ट ही सपोर्ट करेगी। अब सपोज अगर आप हाई मेगाहर्ट्ज की यानी कि हाई स्पीड की रैम ले भी लेते हैं तो वो आपकी 2400 MHz पर ही वर्क करेगी। तो फालतू पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप चेक करें कि CPU में कितना मेगाहर्ट्ज है और मदरबोर्ड में कितना मेगाहर्ट्ज है, फिर जो लोएस्ट है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मदरबोर्ड मेरा इतना वेरिएंट क्यों है जबकि CPU में तो 2400 MHz ही यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस इसलिए आता है जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। तो आप देखेंगे कि जो आपका मदरबोर्ड है, जो यहाँ पे मेरा मदरबोर्ड है MSI का, वो मैक्सिमम i9 तक के जो प्रोसेसर है उनको सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो मैं प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ वो i3 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे i9 के हिसाब से अगर मैं रैम चूज करूंगा तो वहां पे मुझे हाई स्पीड रैम की कंपैटिबिलिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जस्ट आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि भाई आपके सिस्टम में मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है और CPU कौन सा लगा हुआ है। डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।